कृषि उपज मंडी बेराड़ में व्यापारियों द्वारा उपज न खरीदे जाने से नाराज किसानों ने मंडी के सामने लगाया जाम। बेराड़ कृषि मंडी में उपज बेचने गए किसानों के माल की बोली न लगाए जाने से आक्रोशित किसानों ने मंडी के सामने पोहरी मोहना रोड ट्रैक्टर ट्राली खड़ी कर जाम लगा दिया। किसानों का आरोप था कि व्यापारियों द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है। करीब एक घंटे तक सड़क जाम रहने से दर्जनों वाहन फंस रहे हैं। बाद में मौके पर पुलिस ने किसानों को समझाइश देकर जाम खुलवाया। दरअसल गुरुवार को मंडी सचिव और व्यापारियों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिस कारण शुक्रवार को व्यापारियों ने बिना किसी पूर्व सूचना के मंडी में खरीदी बंद कर दी, जिस कारण किसानों ने आकर्षित होकर जाम लगा दिया। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने सड़क पर जाम खुलवाया। वहीं जाम की सूचना मिलने पर मंडी पहुंचे बेराड़ तहसीलदार सुनील कुमार प्रभास ने मंडी में व्यापारियों को बुलाकर मंडी सचिव से हुए उनके विवाद का निपटारा किया और मंडी में खरीदी को चालू करवाया। बेराड़ से सतीश ठाकर की खास रिपोर्ट। बेराड़ कृषि उपज मंडी का क्या मामला था? आज मंडी में जो किसानों ने जाम लगाया उसमें अन्नदाताओं की कोई गलती नहीं थी। व्यापारी माल खरीदने नहीं आए। मंडी सेक्रेटरी की अनियमितता के कारण व्यापारियों से अभद्र भाषा में बोलना, इस कारण आज व्यापारी नहीं आए। और भारतीय किसान संघ के माध्यम से तहसीलदार साहब ने निवेदन किया और व्यापारी आ गए और अब सुचारू रूप से तकनी चालू हो गई और आगे मंडी सेक्रेटरी की अपनी भाषा संयम तरक है और आगे से किसानों को और व्यापारियों को इस तरह परेशान न किया जाए। अगर मंडी का सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? हम तहसीलदार तहसील प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि मंडी सेक्रेटरी को तुरंत बर्खास्त किया जाए या यहाँ से इस कारण तक किया जाए, नहीं तो आगे ऐसा रहा तो बाकी किसान आंदोलन की स्थिति बनेगी और ये सब बिल्कुल किसानों के प्रति अनियमितताएं बिल्कुल सह नहीं होगी।